हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर क्रम संयोजन को समझेंगे। हालांकि इसका डिफिनीशन क्या होता है इसको हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके पहले जस्ट श्रेणी क्रम संयोजन को मैंने पढ़ाया था और उसके जस्ट पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन का परिभाषा समझाया गया था, तो वहाँ से आप पहले इसका डिफिनीशन देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। परिभाषा में हम लोग इस बात को देखे थे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब जोड़ा जाता है, एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तब सबके पहले वाले टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं और सबके दूसरे वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो जोड़ने का यहाँ जो तरीका होता है इसी को हम लोग प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज कहा जाता है। इस तरीका से हम लोग जोड़े हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि इसी दोनों टर्मिनल, यहाँ पर जैसे कि नाम देते थोड़ा देख लिए, यहाँ पर टर्मिनल फर्स्ट और यहाँ पर टर्मिनल सेकेंड, हम लोग देख रहे हैं कि R1 है इसी दोनों के बीच जुड़ा हुआ है, R2 है तो ये भी A1 और 2 के बीच ही जुड़ा है, और R3 है वहाँ भी एक और दो के बीच ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जितना वोल्टेज R1 को मिलेगा उतना ही वोल्टेज R2 को मिलेगा और उतना ही वोल्टेज R3 को मिलेगा, और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा, तो चूंकि एक और दो के बीच ही हम लोग सप्लाई भी कनेक्ट किए हैं, यानी भी जो वोल्टेज कनेक्ट किए हैं इस वोल्टेज के बराबर तीनों को बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा। और ओम के नियम से हम लोग जानते हैं जो भी होता है वो भी बराबर आई इंटू आर होता है, और इस रिलेशन से अगर हम आई का वैल्यू निकालना चाहें तो भी बाई आर आ जाएगा। यहाँ से भी तो बराबर है लेकिन आर का वैल्यू सबके लिए, आर वन है किसी के लिए, आर टू है किसी के लिए, आर थ्री है। इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू फिक्स है लेकिन नीचे वाला वैल्यू आर चेंज कर रहा है, और चूँकि आई है वो भी और आर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, और भी तो चूंकि फिक्स हो गया इसका मतलब आई जो है सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, तो आर पे करेगा। अगर आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है आई का वैल्यू कम होगा, अगर आर का वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब है आई का वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो आर वन आर टू और आर थ्री के वैल्यू पर आई का वैल्यू डिपेंड करेगा। चूँकि यहाँ प्रतिरोध को आई वन माने हैं तो इधर जो करंट जाएगा उसको मान लिया आई वन है, आर टू में जो करंट जाएगा उसको सपोज कर लिया यहाँ पे आई टू है, और जो आर थ्री में करंट जाएगा उसको हम मान लिए आई थ्री है। वो डिपेंड करता है तीनों का प्रतिरोध चूंकि अलग अलग है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू अलग अलग होगा, इसके लिए हम लोग आई वन आई टू और आई थ्री मान लिए। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो होगा तीनों के क्रॉस क्या होगा, समान होगा, इसलिए यहाँ पे वी वन वी टू वी थ्री हम लोग नहीं माने हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग वी वन वी टू वी थ्री माने थे। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बात और समझ में आएगा कि यहाँ से जो भी करंट जाएगा आई यहाँ तक तो इसको सिंगल पाथ है, जैसे ही यहाँ पहुँचा इसके लिए अलग अलग रास्ता दिखा तो क्या क्या हो? अलग अलग वो अपने अपोजिशन कितना है, इसका विरोध कितना हो रहा है, उसके आधार पर डिवाइड हो गए, जो आई वो आर वन लगे आई टू आई थ्री आई नाम दे दिए। लेकिन एक बात हम लोग समझ सकते हैं, फिर ये जो करंट बाहर निकलेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा करेंट, यानी यहाँ पर करेंट तीनों आके मिल जाएगा, जितना करेंट गया था उतना यहाँ पर हमको मिल जाएगा। इस बात से हम लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं या क्या समझ पा रहे हैं, इस बात को हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं कि आई जो करंट है वो आई वन आई टू आई थ्री में बट गया, अच्छा है यहाँ पे बोले आई वन आई टू आई थ्री मिल के फिर से क्या बन जा रहा है, तो आई बन जा रहा है। इसका मतलब है हम लोग आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। इसमें किसी को उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी, अगर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या फिर टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप लोग इसको पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर I का वैल्यू निकालना चाहे कि टोटल करंट इसमें कितना प्रवाहित हो रहा है, या I1 का वैल्यू निकालना चाहे तो वन और टू के बीच वोल्टेज कितना अप्लाई किए हैं, तो भी वोल्टेज अप्लाई किए हैं। अगर I1 बराबर निकाले, चूंकि हम लोग जानते हैं भी वाई आर होता है, भी तो सब में बराबर है तो भी वन भी टू भी थ्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आर का वैल्यू चूँकि तीनों में अलग अलग है तो यहाँ पर आई वन लिखिए, इसका मतलब इसमें जो करंट जा रहा है प्रतिरोध कितना है, आर वन है, I1 बराबर लिखना पड़ेगा हमको वी बाई आर वन। इसी तरीका से I2 बराबर लिखेंगे, चूंकि I2 करंट किस में जा रहा है, R2 में जा रहा है, और R2 में वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज भी ही है यानी वी बाई आर टू। सेम इसी माइनर से I3 बराबर लिखेंगे तो वी बाई आर थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, समतुल प्रतिरोध का कंसेप्ट जैसा कि हम श्रेणीक्रम संयोजन में भी अप्लाई किए थे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई उसको करेंगे। इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इस तीनों प्रतिरोध को हटाकर रख हम लोग एक ऐसे प्रतिरोध को रखें जिसमें उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना कि तीनों में मिलाकर हो रहा है, उस प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। फिर से समझते हैं, इस तीनों प्रतिरोध को हटाकर हम लोग एक ऐसे प्रतिरोध को रखें
जिससे उतना ही करंट प्रवाहित हो जितना कि तीनों से हो रहा है, तो उस प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाएगा। किसका समतुल्य? R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध कहा जाएगा। सपोज करते हैं हम लोग R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध RP मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं इस तीनों का समतुल्य प्रतिरोध एक हम लोग बना लेते हैं और इसका कुछ नामकरण करना है। तो चूंकि यहाँ पे सीरीज के लिए यानी श्रेणी के लिए RS माने थे, यहाँ समांतर क्रम का अक्षर P है, तो इसको हम मान लेंगे RP। और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए बैटरी से और यहाँ पे हम लोग करंट फ्लो करा दिए I, और बैटरी का वोल्टेज कितना है तब भी है। यहाँ पे लिखना चाहे तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐड करना पड़ेगा कि माना कि R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध RP है, और इस प्रकार जो नया विद्युत परिपथ बनेगा या नया इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा वो नीचे है बना हुआ इस तरीके का बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अगर I का वैल्यू निकालना चाहें तो I बराबर क्या लिख सकते हैं? V/I। यहाँ पे तो R1, R2, R3 था, इसलिए हमको लिखना पड़ा R1, R2, R3। यहाँ पे क्या है तो RP है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग V/RP। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट को एक फर्स्ट में हम लोग I1, I2, I3 और I यानी चारों का वैल्यू रखते हैं। यानी क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं। अब लिखेंगे हम लोग मेरे ख्याल से थोड़ा सा, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से, चूंकि यानी सिंस I=I1+I2+I3, और I का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं V/RP, यानी I का वैल्यू रख लेंगे V/RP=I1, और I1 का वैल्यू यहाँ से देख पा रहे हैं V/R1, I2 का V/R2 और I3 का V/R3, तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। I1 का वैल्यू हो जाएगा V/R1+V/R2+V/R3। हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि भी इसमें भी है, भी इसमें भी है और भी इसमें भी है। इसका मतलब भी को हम चाहे तो साइड में कर सकते हैं, साइड में मतलब कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/RP=V को हम निकाल लेंगे कॉमन, तो आपका जो बचेगा यहाँ पर भी निकाल लिए बाहर तो बचेगा 1/R1, इसमें से भी निकाल लिए तो बचेगा 1, नीचे बाई में है R2, और इसमें से भी निकाल लिए तो 1/R3। अब यहाँ देख रहे दोनों तरफ बराबर बराबर एक दूसरे से कट जाएगा, तो बचा क्या आपका 1 बच गया ऊपर, 1/RP=1/R1+1/R2+1/R3। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर क्रम संयोजन का डेफिनेशन के साथ व्यंजक प्राप्त करने के लिए देता है तो आपको इतना तक करना पड़ेगा। यहाँ तक जाकर आप लोग करेंगे डेफिनेशन लिखने के साथ में, तब जाकर कहीं आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नोट्स हैं, उसको हम यहाँ पे लिखा देते हैं आपको, तो आप लोग उसको अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स कर लेंगे। चूंकि हम लोग घर में जितने सारे इक्विपमेंट अपने अप्लायंसेज यूज करते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, बल्ब हो गया, एसी, फ्रिज, सभी को सभी का रेटिंग अलग अलग होता है। यानी वोल्टेज तो फिक्स होता है कितना वोल्टेज पर चलेगा, लेकिन रेटिंग अलग होता है। किसी से एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होता है, किसी से एनर्जी कम कंज्यूम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं उसमें LED बल्ब के तुलना में कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, लेकिन यह एनर्जी सिर्फ उसके रेटिंग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कितना वाट का रेटिंग है। रेटिंग वाट के साथ साथ वहाँ कॉमा देखें, यानी साइड में लिखा रहता है वोल्टेज रेटिंग, यानी अगर उतना ही वोल्टेज उसको मिलेगा तब जाकर उतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं हम लोग घरों में उपकरण को, तो पंखा के जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उतना मिलता है, बल्ब तक पहुँचते पहुँचते कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता, फिर बल्ब के आगे कुछ और हम लोग कनेक्ट किए रहते तो वहाँ पर जाते जाते वोल्टेज और ड्रॉप हो जाता। और इस तरीके से प्रॉपर मेरे घर में जितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो वर्क नहीं करता, तो इससे ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हो। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घरों में जितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उन सभी को हम लोग समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करते हैं। तो पहला पॉइंट हम आपको याद रखना है कि घरों में विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित मतलब जोड़ा जाता है, किया जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे।
आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि घरों में जो बिजली का संचरण होता है या घरों में विद्युत उपकरण को जो जोड़ा जाता है उस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों में जोड़ा जाता है, और चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपको कौन सा टिक करना है ऑब्जेक्टिव में, तो समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। अगला जो नोट हमको लिख नोट करना है, पिछला जैसे किए थे, अगर यहाँ पर तीनों प्रतिरोध बराबर रहता तो क्या लिख सकते थे इसको, 1/R + 1/R + 1/R, और इस तरीका से 1/R तीनों में नीचे आ जाता, यानी इसको हम क्या करते हैं प्रूफ करके ही बता देते हैं। आप लोग इसको पॉज करके यानी कि रोक के आप लोग यूट्यूब पे आराम से लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं आपको अगला जो नोट है, हम मान लेते हैं यदि R1 = R2 = R3 = R हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग 1/RP = 1/R1, और R1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं, तो 1/R + 1/R2, R2 की जगह भी क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं, R3 की जगह भी R, 1/R + 1/R। हम लोग यहाँ पे जानते हैं जब इसका LCM R1, R2, R3 का LCM लेंगे तो R हो जाएगा, R में R से डिवाइड करेंगे, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 1, यानी आ जाएगा 3/R, 1/RP को आ जाएगा 3/R। लेकिन हम लोग समतुल्य प्रतिरोध तो RP को माने हैं, हमको टोटल ओवरऑल जो वैल्यू निकालना है RP का निकालना है, RP निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो RP बराबर आ जाएगा आपका R/3। यानी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में संयोजित हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो एक प्रतिरोध दिया रहेगा उसको क्या करेंगे ऊपर में रखेंगे, उसमें तीन से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगा वहीं आपका समतुल्य प्रतिरोध होगा। चूंकि यहाँ पे तीन ही प्रतिरोध था इसीलिए यहाँ पे तीन आया, चार रहता तो R/4 आ जाता, पाँच रहता R/5 आ जाता। इसी तरीके से अगर n प्रतिरोध रहता तो इसका मतलब है RP बराबर कितना आ जाता, R/n। यानी अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है R/n आ जाता है, और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अगर श्रेणी क्रम में हो तो n × R आ जाता है। और इस तरीका से यहाँ पे एक बात और आप लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर हम लोग घरों में विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध भी ज़्यादा आता है, चूँकि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है, इसका मतलब करंट फ्लो होने में दिक्कत आती है, यानी हमारा घर में जो उपकरण होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, और इस कारण से ही हम लोग घरों में विद्युत का उपकरण का जो संयोजन करते हैं वो किस में करते हैं, तो समांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन दोनों क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। थैंक यू।